जूम के जरिए से कुरान में है उस पर मैं अल्लाह तबारा का शुक्र बजा लाता हूँ ये दरस कुरान का सिलसिला इस्लामी संघ नेपाल की जानिब से आ, हर शनिचर को नेपाली जाम मस्जिद में बाद नमाज जोहर होता रहा है लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से यह सिलसिला मुनकते रहा और बहुत सारे हमारे भाइयों का ये मुतालबा रहा कि ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है कुरान को सीखने सिखाने का प्रोग्राम है जो है जिसको समझ करके जिस पर अमल करके और जिसको दुनिया तक कर फैला करके हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं इस प्रोग्राम को दोबारा तालु किया जाए चाहे वो जुम्मी पर क्यों ना हो तो भाइयों के इस मुतालबे को देखते हुए आज से ये दरस हफ्तावारी दरस कुरान का सिलसिला शुरू किया है हम बहुत बहुत मुबारक बात पेश करते हैं हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर शमी अहमद साहब के जिन्होंने अपने वक्त को हमारे इस प्रोग्राम के लिए फारिग किया और हमारी दरखास्त को कबूल किया इसी तरह से जो हमारे इस्लामी संघ के मीडिया सेक्शन के भाई हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारे यहाँ ताउन किया उनका भी हम शुक्रगुज़ार हैं और हम तमाम भाइयों से यह गुजारिश करते हैं कि यह प्रोग्राम हर हम आइंदा और भी ज्यादा भाइयों को शिरकत कराए ताकि ये प्रोग्राम अच्छे अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा कर सकें तो आप मैं मोहतरम डॉक्टर शमी मोहम्मद से गुजारिश करूंगा <coughs> मोहतरम सामियात भाइयों और बहनों व रहमतुल्लाहि व वरक अल्लाह तबार व तला का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से ये दरस कुरान का कदीम सिलसिला मसाजिद के बंद होने की वजह से वजह से जो मन्त हो गया था भाइयों के इसरार पर अब ऑनलाइन उसका आगाज़ हो रहा है आइए हम दर्स का आगाज़ करते हैं हमारे बहुत से भाइयों को इल्म होगा कि ये सिलसिला है

قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استد... إلا إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ان ما کہو تُبَسْ بس خبردار کر وَالَهُ कोई हकीकी मबूद नहीं मगर अल्लाह जो यकता है सब पर गालिब आसमानों और जमीन का मालिक और उन सारी चीजों का मालिक जो उनके दरमियान है जबरदस्त और दरगुजर करने वाला इनसे कहो ये एक बड़ी खबर है जिसको सुनकर तुम मुंह खेलते हो मुझे उस वक्त की कोई खबर न थी जब आला में झगड़ा हो रहा था मुझको तो वही के जरिए से ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला खबरदार करने वाला हूँ जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी रूह ऊक दूं, तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाओ इस हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सब सब के सब में गिर गए मगर इबलीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया रब ने फरमाया, अब तुझे क्या चीज उसको सजदा करने से माने हुई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से उसने जवाब दिया मैं इससे बेहतर हूँ आपने मुझको आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से फरमाया अच्छा तो यहां से निकल जा तू मरदूद है और तेरे ऊपर जज़ा तक मेरी लानत है वो बोला ऐ मेरे रब ये बात है तो फिर उस वक्त तक के लिए मुझे मुहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे फरमाया अच्छा तुझे उस रोज तक की मोहलत है जिसका जिसका वक्त मुझे मालूम है उसने कहा तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा बजुज तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिस कर लिया है फरमाया तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूं कि मैं जहन्नम को तुझसे और उन सब लोगों से भर दूंगा जो तेरी पैरवी करेंगे नबी नबी इनसे कह दो कि मैं इस तबलीग पर तुझसे कोई अजर नहीं मांगता और न मैं बनावटी लोगों में से हूं ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए और थोड़ी मुद्दत ही गुजरेगी कि तुम्हें इसका हाल खुद मालूम हो जाएगा मोहतरम अभी अभी आपने सूर साद की आखिरी चंद आयतों की तलावत और तलावत शुदा आयतों का तर्जमा समात फरमाया आइये अब जरा हम तफसील से तलावत शुदा आयतों को समझने की कोशिश करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुल अना नमांदर ऐ नबी आप कह दीजिए अहल कुमर से से आप कह दीजिए कि मैं खबरदार करने वाला हूं मैं सिर्फ तुम्हें बता देने वाला हूं याद कीजिए असल में यह जवाब है उस बात का जो कुफ्फारशरिकीन ने आयत नंबर चार में कहा था आयत नंबर चार में कुफारो मुशरिकीन ने क्या कहा था वो आजबा हूं मुंजिर उमिन हूं वकालल वकाल का फिर से कदम इन लोगों ने यानी कुफारो मुशरकिन ने इस बात पर हैरत का इजहार किया था कि उन्हीं में से एक शख्स उनको बताने के लिए उन्हें खबरदार करने के लिए खड़ा हो गया है इस पर उन्हें हैरत हुई थी हालांकि हैरत तो इस बात पर होनी थी कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता नाजिल हो जाता उनके यहाँ और उन्हें खबरदार करने के लिए या कोई अजनबी आ जाता उनका देखा भाला उन्हीं के बीच में परवरिश तक पहुंचने वाला उनकी सारी चीजों को वो लोग जान रहे थे वो उनके सामने था जो कभी भी जिनके ताल्लुक से कोई गैर अखलाकती बात या गैर अखलाक की बातें लोगों ने नहीं देखी थी जब वो सामने आए तो उन्होंने उन उन पर है, हैरत का इजहार किया और क्या कहा अच्छा इन्होंने सारे खुदाओं की जगह पर एक खुदा बना डाला है सारे खुदाओं का इनकार करके सिर्फ एक खुदा की ये बात करते हैं ये तो अजीब सी बात है तो ये जो बातें हैं आयत नंबर चार से लेकर के आयत नंबर आठ तक जो बातें आई हैं उन्हीं बातों के, के जवाब में ये आयतें आ, ये आयतें हैं उन्हीं आ, उन्हीं के जवाब में ये बातें कही जा रही हैं तो अल्लाह तबारा सबसे पहले अपने नबी करीम वसल्लम से फरमा रहा है कि आप उनसे कह दीजिए कि भाई मैं तो तुम्हें खबरदार करने वाला हूँ मैं कोई फौजदार नहीं हूँ मैं कोई मैं कोई मुझे कोई ताकत नहीं, नहीं दी गई है कि मैं ताकत के बलबूते पर मैं तुझे जबरदस्ती गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ ले आऊ मैं तो मैं तो तुम्हें सिर्फ खबरदार करने वाला हूं अगर तुम मानोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है और अगर तुम नहीं मानोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है तो अब तुम्हारा तुम तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये फैसला करो कि तुम्हें हिदायत चाहिए हक की रोशनी चाहिए तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहिए या तुम गफलत में ही पड़े रहना चाहते हो गफलत में ही तुम सरशार अगर पड़े रहना चाहते हो तो पड़े रहो अगर तुम्हें पसंद है तुम्हें यही पसंद है तो तुम इसी पर रहो और अपने अंजाम को तुम खुद देख लोगे अपने अंजाम को तुम पहुंच जाओगे तो ये बात बताई और उसके बाद जो ये बात आई तो कि अजाल इलाहा अच्छा इन्होंने तो सारे खुदाओं की जगह पर बस एक खुदा बना डाला उसके जवाब में कुरान ये कह रहा है कि मिन यहां? यहां? कि कोई अला नहीं है कोई महाबूद नहीं है सिवाय एक महाबूद के ये हकीकत का हाँ हकीकत उनके सामने नबी अलैहि वसल्लम रख रहे हैं कि हाँ यही बात है हकीकत यही है कि कोई अला नहीं है कोई मबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के और सिर्फ़ हकीकत ही नहीं नबी करीम पेश फरमा रहे हैं बल्कि हकीक़त है के साथ उसके दलील उसकी 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 कुछ दलील भी सामने नबी करीम रख रहे हैं तो देखिये कुरान कहता है कि वाहन अला कोई अला नहीं है कोई मबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के अलवा जो क्या है जो वाहिद है क्या मतलब मतलब ये कि वो अपनी जात में भी वाहिद है और अपनी तमाम सिफात में भी वाहिद है वो यकता है अपनी जातों सिफात में और इसके साथ एक बात कुरान एक सिफत सिफतरबुल आलमीन की ये फरमा रहा है ये ये कह रहा है कि अलवादुल कहार और, और वो क्या है वो यकता तो है अपनी जातों सिफात में यकता है और उसकी सिफत ये है कि वो कहार है

कुदरत में है पूरी सॉवरेंटी उसकी है वो सुप्रीम है और इेसिस्टिबल है तो ये है अल्लाह आलमीन देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि बड़ा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे अंदर आज अगर हम देखें कि उम्मत के मसाइल पर गौर करें जो मसाइल हैं तो एक सबसे बड़ा मसला ये ये हम देखते हैं कि हकीकत में ईमान जिस अंदाज में हमारे दिलों में उतरना चाहिए उस तरह से ईमान उतरता नहीं है देखिए हम लाए लाला ला कह तो देते हैं सारा जो मामला है ईमान का मामला हो और ईमान के बाद बंदगी का मामला हो ये सारी की सारी बातें जाकर के आखिर में वो अल्लाह की जात पर ही टिक जाती है क्योंकि ईमान का मतलब होता है अल्लाह पर ईमान तो जब हम अल्लाह पर ईमान ले आते हैं तो उसके बाद जो हमारे ऊपर जो चीज़ लाजिम होती है यानी ईमान का जो तकाजा है वो तकाजा क्या है वो तकाजा अल्लाहमिन की बंदगी है तो बंदगी में वो बात जो पैदा नहीं हो पाती है उसकी वजह ये जो वो हकीकी बंदगी जो हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाती है हम 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 छोटे से मफाद के लिए दिन रात हम अपने ईमानों को बेचते हुए हम नजर आते थोड़ी से मफादात के लिए हम देखते हैं कि हम कुरान और आदि के हकाम को अल्लाह आलमिया नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम की फरामीन को एक तरफ छोड़ देते हैं वजह क्या है वजह यह है कि हकीकत में ईमान हमारे दिल में उतरता नहीं है तो सबसे अहम बात यह है और इस पर हमारे अहले मदारिस को भी गौर करना चाहिए कि उनके यहाँ जब अक़ीद तोहद की बात आती है तो वो अक़ीद तोहद को सरसरी तौर पर पढ़ा देते हैं और उसके बाद सारा जोर उनका अहल कलाम पे जो अहल कलाम जो है उन्हीं पर बात आती है ये सिफ़ात और वो जहमिया और वो मुशबहा और वो कदरिया और इस सारी बातें आती हैं और कुरान की रोशनी में जो अक़ायदे इस्लामियों पर बात होनी चाहिए उसमें बड़ी कमी नज़र आती है तो सबसे अहम बात यह है कि हम अल्लाह तबारों को ताला को जब तक पहचानेंगे नहीं अल्लाह तबारों को ताला की अजमत का एहसास जब तक हमें नहीं होगा हमारे दिल में ईमान कैसे उतरेगा हम तो अल्लाह पर ईमान ले आए लेकिन हम अल्लाह को पहचाने ही नहीं हमने अल्लाह को देखा ही नहीं हमने अल्लाह की अजमत का इतराक किया ही नहीं लिहाजा हमारे दिल में जिस तरह से ईमान उतरना चाहिए नहीं उतर पाता और उसकी उसकी उसी वजह यही वो वजह है चूँकि ईमान उतर नहीं पाता ईमान के जिंदगी पैदा हो नहीं पाती ईमान जिस तरह का होना चाहिए हो नहीं पाता इसीलिए बंदगी में भी बात वो पैदा नहीं हो पाती आज आप देख लीजिए मुसलमानों की उम्मत की जो जबोहाली है आप देख लीजिए तो मसाइल को हम जब तो इकट्ठा करते हैं देखते हैं तो उसमें जो सबसे सर फहरिस्त जो बात आती है वो ये कि हमारी उम्मत के अंदर हमें वो ईमान पैदा करना होगा जो ईमान शाहाम के अंदर जो ईमान था वो ईमान पैदा करना तो होगा वो किस तरह मुमकिन है तो उसकी एक सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह रब्बुल रबुलमी की अजमत का इदराक हमारे अंदर होना चाहिए हमें इदराक होना चाहिए तो वो किस तरह से होगा उसकी सबसे हम अहम बात यह है कि अल्लाह रब्बुल रबुलमीन की जो हस्ती है जो जात है उसको हम उसकी सिफात के जरिए समझ सकते हैं तो उसकी सिफात को समझना होगा जब हम लहरबुल आलमीन को लहबुल आलमीन की सिफात के जरिए देखने की कोशिश करेंगे तो हमें उसकी अजमत का हमें एहसास होगा और उसकी अजमत हमारे दिल में उतरेगी फिर वो ईमान पैदा होगा तो इस पर इस हमारे मदारिस में भी और हमारी जो तरबियत जो गाहें हैं और तरबियत का जो मनहज है उसमें इस तब्दीली की जरूरत है इस बात को लाने की जरूरत है तो अल्लाह तबारक को ताला क्या है कहार है यानी ये पूरी कायनात ये सारी की सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्जा कुदरत में है गौर कीजिए मुशरिकीन ने क्या कहा था ये कहा था कि अच्छा तमाम खुदाओं को की जगह पर सब एक खुदा बना डाला तो अल्लाह तो अल्लाह अल्लाहमीन कह रहा है कि हाँ मा, मा यकीन कोई अल्लाह नहीं है कोई मबूद नहीं सवाए अल्लाह के और वो अल्लाह कौन है कैसा है वो अपनी जात में यकता है और अपनी सिफात में भी यकता है और उसकी एक जो सिफत है जो किसी भी माबूद में नहीं है जिसे तुमने मबूद बना रखा है किसी एक के सिलसिले में बताओ कि वो कहार हो वो काहिर हो वो कहार हो तो उसके इलाह होने की जो दलील है वो एक दलील ये है कि ये पूरी कायनात ये पूरी कायलूक उसके कब्जे कुदरत में है सॉवरिटी उसकी है वो वन सुप्रीम एंड इलिस्टिवल। वो सुप्रीम है पूरी उसकी है उसके बाद देखिएगा और दलील अल्लाह आलमीन फरमा रहा है कि वो अल्लाह है वही अला है क्यों क्योंकि रब उस वल वा अरब वमा बई नजीज उल्फार वो पूरी तमाम आसमानों का मालिक है वो तमाम आसमानों का वो मालिक है वो लॉर्ड ऑफ द दस है वो सस्टेनर ऑफ द दस है वो तमाम आसमानों का और जमीन का वमा बही हुमा और आसमानों और जमीन के बीच में जितनी भी मखलूकत है तमाम मखलूकत का वो रब है वो मालिक है अलजीजल्फार तो ये मालिक है तुम जो इला बनाए बैठे हो तुम जो देवी देवताओं को अपना खुदा बना बैठे हो तुम जो सैकड़ों खुदाओं को बना बैठे हो क्या उनमें इस तरह की कोई सिफत पाई जाती है तो ये लॉजिक कुरान पेश कर रहा है उसके बाद फिर अल्लाह कुरान कह रहा है कि वो अल अजीजुल्फार है देखिए एक, एक बात आई कि अजीज अजीज का क्या मतलब होता है अजीज का मतलब होता है पावर ताकत कुवत। अजीज में एक मफहम है शिद्दत का भी कि शिद्दत वो शदीद है अजीज में का है कि गलबा वो खालिब है यानी डोमिनेंस। उसी तरह से अजीज का मतलब है रिफत बुलंदी और अजीज में एक बात और आती है इम्तना कुवतुल इम्तना यानी वो जो कुछ चाहे कर सकता है

ताकत तो का सरचमा है वो गालिब है वो बुलंद है वो और उसके बाद बताया गया कि यही नहीं कि वो कहार है और यही नहीं कि वो अजीज है बल्कि वो, वो माफ करने वाला भी है ये मंजर जहन में रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ है और एक तरफ कुफारो मुशरिकीन है और ये मुकालमा है नबी अलैहि वसल्लम के दरमियान और कुफ़ार के दरमियान तो कुफ़ार से ये बात कही जा रही है ये उस वक्त भी और आज भी और क्यामत के रोज़ तक के लिए कुरान तमाम लोगों से मुखातब है अहले ईमान से भी और अहले कुफ़ार से भी अहले कुफर से भी तो अल्लाह रब्बुल्आलमीन क्या है रब्बुस समावात है वो ला है वो मा बैनाहु मा उसके दरमियान जो कुछ भी है गफ्फार है वो गफ्फार है यानी वो माफ करता रहता है यानी माफ करने वाला नहीं है सिर्फ वो माफ करने वाला नहीं है बल्कि गफ्फार है वो अज़ीम माफ करने वाला है और अहदीस में बहुत सी बातें आती हैं कि इंसान अगर पहाड़ों की मानंद भी वो गुनाह करके आए और अल्लाह की हजूर बार अल्लाह अपना हाथ अपने हाथ उठाकर अल्लाह से अगर वो माफी चाहे तो अल्लाह के अबारा माफ फरमा देता है वो गफ्फार है तो कुफ़ार यानी बैन सतूर ये बात कही जा रही है कुफ़ार मुशरकिन से भी कि तुम अगर अपनी तुम अगर नबी करीम नबी करीम मोहम्मद जिस बात की तरफ दावत दे रहे हैं तुम उस दावत को अगर तुम कबूल कर लो और अपने उस जो कुफर का जो रवैया तुम्हारा है कुफर से बाज आ जाओ तो अल्लाह रबु के रबुल हाँ तुम्हारे लिए भी मखफ है क्योंकि एक उसकी ये सिफत है कि वो अपने बंदों को माफ करता रहता है उसके बाद अल्लाह तबारो व तआला फरमाता है कुल अज़ीम कि वो जो वो, वो, ये ये जो खबर है ये बड़ी खबर है यानी जो नबी करीम तुम्हें खबर दे रहे हैं यानी तोहेद की बात बता रहे हैं और आखरत की बात बता रहे हैं हिसाब किताब की बात बता रहे हैं जन्नत जहन्नम की बात बता रहे हैं तो और क्यामत की बात बता रहे हैं कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और हिसाब किताब देना होगा तुम्हें ये बहुत बड़ी खबर तुम्हें दी जा रही है जिससे तुम मुंह मोड़ रहे हो उसके बाद कुरान कहता है माता إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس मुझे उस वक्त की कोई खबर न जब मलाय आला में झगड़ा हो रहा था तकरार होता हो रहा था बहसा हो रहा था मुराद फरिश्तों की जमात है वहाँ जो जो बहसा या तकरार हो रहा था उसका इलम तो मुझे नहीं था उसकी खबर जो मैं तुम्हें दे रहा हूं तो यह भी इस बात की दलील है कि यह मन घड़त बात नहीं है देखिए कुफार आयत नंबर सात में क्या कहा था इहादा इलाख तलाक ये जो मोहम्मद बात कह रहे हैं जो मोहम्मद एक अल्लाह की बात कर रहे हैं जिस तरफ मुहम्मद बता रहे हैं इन तलाक इनहाद्ल ये कुछ और नहीं ये मन घड़त बात है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि भाई ये जो मल आला की बातें हैं इसका मुझे क्या इल्म मुझे तो कोई खबर नहीं थी तो ये खबर जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये भी खबर ये इस बात की दलील है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो मुझ पर वही की जाती है मैं अपनी मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ मुझे तो इसका कोई इल्म ही नहीं था और इशारा उसी तरफ है जिसका जिक्र यहाँ अभी नीचे जिसका जिक्र आ रहा है उस तरफ इशारा है कि अल्लाह रबालमीन ने मलाइका से फरमाया कि इन खाल बिन कि मैं मिट्टी से एक बशर बनाने जा रहा हूँ रूही, जब मैं उसे बना, बना डालू उसे ठीक ठाक कर लू तो और उसमें मैं अपनी रूह फूक दू तो उसके आगे सजदे में गिर जा कि देखिए अपनी रूह अल्लाह रबुल आलमीन ये जो ये जो ये जो बशर इंसान को जो बनाया अल्लाह रबुल आलमीन ने किस कदर उसको शर्फ बख्शा है और जानते हैं हम और आप जानते हैं कि तमाम कायनत में जितनी भी मखलूक है तमाम मखलूक में इंसान क्या है अशरफुलमखलूक़ात मखलूक है तो ये, ये, ये उसकी शरफ की बात है उसकी उसके मकाम और मरतबा की बात है कि अल्लाह रबुल जो, जो जिंदा किया तो उस तालुक से कहा, उस रूह को जो रूह अल्लाह तबारक वाली ने जिस रूह को फूका इंसान इन, के अंदर उसकी नस्बत अल्लाह रबीन ने अपनी रूह की जानब कहा कि वह नफक तो फी है मेरी रूह ही जब मैं उसे ठीक ठाक कल्लू बना लू और उसमें अपनी रूह फूक दू तो उसके आगे में गिर तो ये की शरफ की बात है उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि इबलीस तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय के ये वाक्य आप लोग जानते हैं इसलिए बहुत इकतसार के साथ में ये वाक्य आपके सामने रखूंगा गुजशत सूरतों में गुफ्तू करते हुए ये जो ये जो वाक्य है ये वाक कई दफा आपके सामने आ चुका है तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के इबलीस ने क्या किया इल्ला काना काफिर वो इस्तकबार किया उसने तकबर किया उसने घमंड किया और इसलिए वो काफिरों में से हो गया वो काफिरों में से था ही वो काफिर वकान अमिनबरीन अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया तो देखिए जो घमंड है जो किब्र है, गुरूर है तकबुर है ये बहुत ही मजमून सिफात है और इस इन सिफात से मोमिन को बार बार कहा गया है दूर रहने के लिए अल्लाह रबुल आलमीन के नज़दीक किसी भी इंसान का गुरूर करना तकबुर करना इस्तबार करना ये बहुत ही नापसंद इंतहाई नापसंदीदा है इसलिए इन सिफात से मुमिन को वो दूर रहना चाहिए और कुफ़ार कुफ़ारशरकिन की जो बात है कि कुफ़ार कुफ़ारशरकिन जो नहीं मान रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर बैक नहीं कह रहे थे उसका अगर आप तजिया कीजिए तो आप देखेंगे कि उनके पास कोई लॉजिक नहीं पाएंगे आप कोई रैशनल उनकी गुफ्तु में कोई रैशनल लॉजिक आप नहीं पाएंगे कोई माकूल बात नहीं पाएंगे कोई दलाल नहीं पाएंगे जो बात आप पाएंगे वो सिर्फ ये कि वो हठध धर्म है और वो मुतकबर है हर धर्म है और दुनिया की मफाद से वो इस कदर लतपत है कि वो अंधे हो गए इसके अलावा कहीं कोई लॉजिक कहीं कोई माकूल बात आप नहीं पाएंगे तो ये जो इबलीस था वो काफिरों में हो गया क्योंकि उसने इस्तेकबार किया तो अल्लाह रबुल आलमीन के हुक्म को नहीं माना आज भी अगर कोई शख्स खा वो लाला कहने वाला क्यों ना हो अगर वो अल्लाह रबीन के किसी हुक्म को जानते बूझते कसद उसका इनकार करता है और ये कहता है कि आज के असर में आज के जमाने में इस मॉडर्न एज में ये एप्लीकेबल नहीं है हम मुसलमान तो हैं हम ईमान लाते तो हैं लेकिन कुरान की ये बातें या नजाम इस्लाम इस्लाम का जो दीन इस्लाम की जो ये बातें हैं वो आज के जमाने में ये काबिल कबूल नहीं है तो उसके कुफर में कोई शक नहीं तो जो है इंसान को दायरे इस्लाम से बाहर कर देता है तो ये जो तकबूर है, जो गुरूर है तो यहां पर फिर इंसान हजरत इंसान की तारीफ देखी हजरत इंसान की तशरीफ के लिए अल्लाह आलमीन क्या फरमा रहा है ए कौन सी चीज ने तुमको सजदा करने से मना किया कौन सी चीज माने हुई सजदा करने में उसके उसका उस उसको सजदा करने में जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है अपने दोनों हाथों से बनाया गौर कीजिए देखिए जब जो काम बादशाह जो होता है वो अपने राजपा पाठ का काम अपने धाम से लेता है बहुत से लोग होते हैं काम करने वाले तो तमाम जो राजपाट का काम होता है कारोबार जितने भी होते हैं जो मतलब राज्य के स्टेट के जितने मामला होते हैं तो बादशाह वो सब खुद से नहीं करता वो अपनी वो अपने खुदाम से काम लेता है लेकिन अगर कोई बादशाह कोई काम अपने हाथों से करे तो उससे ये बात तो वाज होती है कि वो काम बहुत ही अजीम है वो काम बहुत ही अजीम है वो काम बहुत ही शर्फ वाला है तो अल्लाह आलमीन यहाँ पर यह फटवा रहा है कि तुमको किस चीज़ ने उसको सजदा करने से मना किया कौन सी चीज़ माने हुई जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था इंसान को अल्लाह ने दोनों देखिए इसमें कितनी तशरीफ़ और इंसान को क्या करना चाहिए इंसान को कितना बनना बनना चाहिए इसमें देखिए बड़े प्यार से एक बात जो इस ये बात है इंसान के लिए भी अहले ईमान के लिए भी कि देखिए अल्लाह तबारक ने इंसान को कैसी इज्जत बख्शी कितना बड़ा मकाम फरमाया है तो अल्लाह अल्लाहबूल ने फरमायालिम अच्छा तो तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से क्या है तो जानते हैं क्या जवाब दिया तो इबलीस ने ये जवाब दिया मैं उससे बेहतर हूं मैं इंसान से बेहतर हूं देखिए इस्तकबार घमंड मैं उससे बेहतर हूं और दलील क्या दे रहा है बिल्कुल ही फजूल जब जब आदमी जब कोई इंसान या वो जिन जिन जिन्हें को ना, कोई या कोई जिन, जब तक में पड़ जाता है तो वो अंधा हो जाता है इंसान को अच्छी बात कहने से भी रोक देता है तकबुर, से भी रोक देता है। तकबुर मतलब बिल्कुल हट धर्मी उसके अंदर पैदा हो जाती है देखिए दलील क्या दे रहा है इब्लिस कह रहा अच्छा देखिए इब्लिस से मुराद वो सिर्फ इब्लिस में नहीं है बल्कि इब्लिस की मुराद इब्लिस और उसकी पूरी जमात है ये याद रखिएगा ये पूरी जमात है और कुछ लोगों को यह भी गलतफहमी होती है कि क्या ये फरिश्तों में से था तो मैं बता दूं कि नहीं वो फरिश्तों में से नहीं था वो फरिश्तों में से नहीं था क्योंकि फरिश्तों को यह सलाहियत ही नहीं दी गई के फरिश्ते बंदे हैं लायासूना मा अमर वो या फलू नबाउन लायासू यानी वो जो है <coughs>। ला यासून यासू...। जो, जो फरिश्ते इसी तरह की कोई भी नाफरमानी नहीं करते तो तो मुराद सिर्फ ही नहीं बल्कि और उसके साथ पूरी उसकी जो जमात है उसकी ग्रोह है वो भी मुराद है तो देखिए इबलीस क्या जवाब दे रहा है कि मैं उससे बेहतर हूँ खनक तनी मिन खनक तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से पैदा किया है तो ये ये क्या, ये क्या कैसी दलील हुई कैसे आग को फजीलत हासिल है मिट्टी पे बल्कि अगर गौर किया जाए तफसीलात देखी जाए तो आग से बेहतर है मिट्टी लेकिन मैं ये नहीं कहता मैं तो कहता हूं कि भाई ये कोई कोई वजह इम्तियाज ही नहीं है कोई वजह इम्तियाज ही नहीं है तो कहा कि मुझे मिट्टी से आपने मुझसे मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से तो मैं उससे बेहतर हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके साथ डिस्कशन नहीं किया अल्लाह रब्बुलान में पूछेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का काल फخرج منها فانك رجيم फخرج منها فانك رجيم के तुम यहां से निकल जाओ तुम क्या हो रजीम रजीम का क्या मतलब रजीम का मतलब हुआ कि अल्लाह तबारक ने उसको उस जिस इज्जत पे रखा था उस इज्जत से उसे अल्लाह ने गिरा दिया कहा निकल जाओ यहाँ या से यानी तुम्हें जो इज्जत हासिल थी वो इज्जत तुमसे अब ले ली जा रही है तुम्हें जो मकाम हासिल था उस मकाम वो मकाम तुमसे अब लिया जा रहा है जलीलो खार जलीलो खार करके तुम्हें अब रख दिया गया यानी रजीम का मतलब है कि जो जलीलो खार हो जाए और जिसको उसके मकाम से ऊंचे बुलंद मकाम से उसको गिरा दिया जाए तो अल्लाह आलमीन ने कहा रजीम, तो तू मर्दूद है और उसके इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ने फरमाया वह इन्ना का लानतीन और तेरे ऊपर जजा तक मेरी लानत है जजा तक मेरी तुम्हारे ऊपर लानत है तो वो बोला ऐ मेरे रब ये बात है तो फिर उस वक्त तक के लिए कुछ मुहलत दे दे मुझे मुहलत दे दे उस वक्त तक के लिए मुझे मुहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे यानी जब जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे इंग्लिश भी जानता है दोबारा उठाए जाएंगे खूब जानता है बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश जानता है दोबारा उठाए जाएंगे तो कहा कि ये जब 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 ये जो दोबारा उठाए जाएंगे यानी से पहले तक मुझे मोहलत दे दे तो अल्लाह रब्बुल ने कहा तो अच्छा तो तुमको उस रोज तक तुम्हें मोहलत है जिस वक्त का मुझे मालूम है यानी अल्लाह तबारा वक्त जानता है उस वक्त तक तुम्हें क्या है तुम्हें तो मोहलत है तो उसके बाद देखिए शैतान क्या कहता है इबलीस क्या कहता है, है कसम खा रहा है और कसम किस बात की खा रहा है शैतान है लेकिन कसम किस बात की खा रहा है अल्लाहबुल आलमीन की इज्जत की कसम खा रहा है याद रखिए कि अल्लाहबुल आलमीन को छोड़ करके किसी भी चीज की कसम नहीं खाई जा सकती है हराम है मखलूकत मखलूक मخلوق के लिए इंसान के लिए अल्लाह को छोड़ करके किसी और चीज़ की कसम नहीं खाई जा सकती है हराम है लेकिन अल्लाह रबालमी अपनी अपनी मखलूक़ात में से किसी भी मखलूक का वो छोटी मखलूक हो बड़ी मखलूक किसी भी चीज़ की कसम खा करके अपनी बात को अल्लाह रबालमी मखलूक के सामने इंसानों के सामने रखता है जिसकी जिसके शवाहिर कुरानों में हम मुख्तलि जगहों पर मुतद जगहों पर हम पाते हैं तो अल्लाह रब्लम ने फरमाया तुम्हें महलत है तो उसके बाद क्या कहा शैतान ने काला इज्जत कहा तेरी इज्जत की कसम ला हम उन सबहों को बहका कर हम रहेंगे इल्ला बजुस तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने खालिज कर लिया है इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उन्हें वो नहीं बहकाएगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, है। ऐसा नहीं है। बल्कि वो सबों को बहकाएगा उसके कहने का मकसद ये है कि हम सब को बहकाएंगे सारों को बहका देंगे अलबत्ता मेरा बस तेरे बंदों पे नहीं चल पाया बहकाएगा तो वो उनको भी लेकिन जो वाकत अल्लाह के बंदे हैं वाकतन जिनके दिल में ईमान है वाकतन जो अल्लाह से जिनका ताल्लुक है वाकतन जो वो इस्तार करते रहते हैं वाकतन जो अल्लाह तबारक को ताला की रजा और खुशनुदी हासिल करने का, ए, ए, का जज्बा अपने दिल में वो रखते हैं वो अल्लाह के बंदे हैं इन पे शैतान का बस नहीं चल पाएगा हमें अपने अपना मुराजा करने की जरूरत है कि वाक हमारा हाल क्या है हमारा हाल क्या है हम किस हद तक भहकते हैं या हम नहीं भगते हैं और अगर हम कहीं बहक गए हमसे कोई गुनाह हो गया तो हम फिर हमें वापस लौटने की एक कितनी हमारे अंदर वो शिद्दत होती है हमारे दिल के अंदर हम फिर किस तरह से लौटते हैं अल्लाह की जानब हम किस तरह से नादिम होते हैं हम किस तरह से अल्लाह से माफी चाहते हैं अगर ये हमारी हालत है तो इन्शाल्लाह इन्शाल्लाह अल्लाह रब्बुल अल्मीन शैतान को हमारे ऊपर गलबा अता नहीं फरमाएगा तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल अल्मीन फरमाता है कारा فالحق والحق حاکول फरमाया तो हक ये है और मैं हक ही कहता हूँ वो मन अحسن من اللهي قيلا و من أحسن من اللهي حديثا अल्लाह रबुल आलमिन फरमाता है तो हक ये है और मैं हक ही कहता हक ही कहा करता हूं लमला अन्ना जहन्नमिन अजमाइन मैं जहन्नम को तुझसे और उन लोगों से जो तेरी पैरवी करेंगे भर देंगे तो अल्लाह रबुल आलमीन इससे एक बात साबित हो गई कि जहन्नम भर दिया जाएगा जहन्नम भर दिया जाएगा शैतान इन सो जिन से, शैतान शयातिन से और इंसानों से जिन्होंने कुफल इख्तियार किया हक को छोड़कर उसके बाद देखिए रूए सुखन बदलता है अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कह नबी कुल कहो, मा एसअलुकुम अलैहि मिन अजर वमा अना मिन कितनी प्यारी बात है देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कह रहे हैं कि मैं जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं मैं जिन चीजों की तरफ तुम्हें दावत दे रहा हूं मैं जो तुम्हें तोहहीद की तरफ आखरत की तरफ बुला रहा हूं उस पर मुझे कोई अज्र नहीं चाहिए तुमसे मुझे कोई बदला नहीं चाहिए तुमसे कोई अज्र कोई बदला नहीं चाहिए और आपने देखा सीरत के वाक्य में आपने देखा कि कुफार और मुश्किन जमा हुए और उन्होंने कहा कि अगर बादशाह चाहते हो तो मैं तुम्हें बादशाह देने के लिए तैयार हूं और तुम अगर शादी करना चाहते हो तो पूरे अरब के की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार है और अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है कोई मसला है तो हम तुम्हारा इलाज कराने के लिए तैयार है मैं जो भी दुनियावी जो मुनासिब जो भी हो सकते हैं तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं।, हूं तुम अपनी दावत से बासा जलाओ तो क्या कहा था हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ने कि अगर ये हमें एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज भी डाल दे तो मैं इस दावत से बात नहीं आ सकता कि कैसी बात अल्लाह रबालमीन की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लम को ये बात की जा रही है कि मैं कोई अजर उस पर नहीं चाहता हूँ वह अना मिनल और बनावटी लोगों में से हूँ हाँ उनकी तो पूरी जिंदगी पड़ी उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने थी तो कहा ना तो मुझे कोई अजर चाहिए ना कोई मेरे इस काम से मेरे इस काम से किसी मफाद का कोई ताल्लुक नहीं है कोई अज्र मुझे नहीं चाहिए और मैं बनावटी लोगों में से नहीं हूँ जो कुछ मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ ये कुरान पेश कर रहा हूँ या जिन चीजों की तरफ तुम्हें दावत दे रहा हूँ जिन फराइज की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ और जिन बुराइयों से तुम्हें रोक रहा हूँ चीजों से तुम्हें रोक रहा जिक्र है कुरान कुरान जो सारी बातें के अंदर मौजूद है तो ये किसके लिए ये जिक्र है किसके लिए ये नसीहत है जिक्र है यानी नसीहत है ये किसके लिए नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए पूरी इंसानियत के लिए ये जिक्र पूरी इंसानियत के लिए है देखिए कुरान में बार बार ये बात आई है आज हाल ये है कि कुरान को हमने दीन को हमने मुसलमानों का दीन समझ लिया और कुरान को हमने अहले ईमान मुसलमानों की किताब समझ लिया अल्लाह तबारक ने कुरान को यह मुसलमानों के लिए इसकी एक खास कम्युनिटी के लिए नहीं उठा रहा है इस कम्युनिटी को उम्मत ये जो कम्युनिटी को इस भी इंसानियत के लिए उतारा है और इसको इसको हवाले नबी करीम के जरिए जो ये किताब नाजिल हुई है वो किताब भी पूरी इंसानियत के लिए नाजिल हुई है लेकिन हम लिए बैठे हुए हैं ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उम्मत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरी उम्मत तक पूरी इंसानियत तक ये अल्लाह तबारको ताला का जो ये जिक्र है अल्लाह की जो ये किताब है उस तक पहुंचा दे अगर हम ये नहीं पहुंचा पाए तो आखिरत में हमसे सवाल होगा तो जहां जहाँ हम पहुंचा सकते हैं ये हमारे ऊपर फर्ज है कि हम वहां वहां इसको पहुंचाएं तो कुरान ये कहता है नबी करीम ये, कह, ये कह रहे हैं कि इन आलमीन की ये नसीहत है पूरी पूरी इंसानियत के लिए पूरे देशा तमाम जहान वालों के लिए और थोड़ी ही मुद्दत ही और थोड़ी मुद्दत ही गुजरेगी कि तुम्हें इसका हाल खुद मालूम हो जाएगा कहा नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम कह रहे हैं गुफारो मुश्किल से और हो गया जंग बदर को देख लीजिए फतेह मक्का को देख लीजिए कुछ ही दिनों में ये ये दावत फैल गई कुछ ही दिनों में ये दावत फैल गई दुनिया में और जो कुफार थे, जो दावत के खिलाफ मुतहद थे आखिरकार वो तबाह वो बर्बाद हुए मोहतरम हाजरीन अल्लाह तबारा से दुआ है कि अल्लाह रबुल हमें कुरान को समझ कर पढ़ने की अता फरमाए और कुरान के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी ढालने की तोफ़ी कुरान के मैसेज को कुरान के मैसेज को पूरी इंसानियत तक पहुंचाने की तोफ़ी अता फरमाए आलमीन हमारे दिलों को हमारे दिलों में कुरान को हमारे दिलों का बहार बना दे अल्लाह आलमीन ईमान से हमारे दिलों को मनवर फरमा दे जब तक जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रखे जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे जब तक जिंदा रखे दावत की तोफीक के साथ जिंदा रखे जब तक जिंदा रखे इस कुरान को इस कुरान पर, पर अमल करने की तोफीक और इस कुरआन को इंसानियत तक पहुंचाने की तौफीक के साथ जिंदा रखे और जब इस दुनिया से उठाए तो ईमान की हालत पर उठाए اور جو اخری بات زبان سے ادا ہو اللہ توفیق دے کہ لا الا محمد رسول الله سبحان ربي رب, رب العزه عما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاکم الله